तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फोटोग्राफर विक्टर और उनकी गर्भवती पत्नी सोरेन घूमने के लिए हेटी नाम के करीबियन देश पहुंचे होते हैं, जब एक बड़े भूकंप के चपेट में आने के कारण सोरेन बुरी तरह से घायल हो जाती है और डॉक्टर विक्टर को उनकी पत्नी और उनके बच्चे में से किसी एक को चुनने के लिए उन्हें कहते हैं। इस घटना के 13 साल बाद विक्टर ईश्वर में विश्वास खो चुके थे और अपनी बेटी एंजेला का अकेले ही जॉर्जिया में पालन पोषण कर रहे थे। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद एंजेला अपनी बैप्टिस्ट दोस्त कैथरीन के साथ जंगल में चली जाती है, जहां पर एक खंडर के अंदर वो अपनी माँ की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती है। रात को एंजेला के डिनर टाइम तक घर ना पहुंचने पर विक्टर कैथरीन के घर पर फोन करते हैं, जहां से उन्हें पता लगता है कि ये दोनों बच्चियां किसी दूसरे दोस्त के घर पर गई हैं। लेकिन उस दोस्त से इन्हें पता चलता है कि ये दोनों वहां भी नहीं है और स्कूल से छुट्टी के बाद ये दोनों बच्चियां जंगल की तरफ गई थी। एंजेला और कैथरीन के माता पिता तुरंत स्कूल के पास के जंगल में छानबीन शुरू करते हैं, जहां इन्हें बच्चियों के स्कूल बैग्स और उस खंडर के अंदर विक्टर को अपनी बेटी का जूता मिलता है। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन में अपनी बेटियों की छानबीन के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस के काफी छानबीन के बाद भी लड़कियां नहीं मिलती, लेकिन ठीक 3 दिन बाद एक किसान की बेटी को एंजेला और कैथरीन उसके फार्म के अंदर छुपी हुई मिलती है। अगले ही पल विक्टर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर कैथरीन और एंजेला को भर्ती किया गया होता है। दोनों लड़कियां थोड़ा डरी हुई होती हैं, लेकिन ठीक होती हैं। सिर्फ इन दोनों के पैरों पर जलने के निशान होते हैं। ये दोनों सभी को ये बताती हैं कि जंगल से वापस लौटते हुए वो रास्ता भटक गई थी, लेकिन ये दोनों चलती रही और उस फार्म तक पहुंची। दोनों बच्चियों के टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, जिसके बाद इन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रात को विक्टर के पूछने पर एंजेला अपने पिता को बताती है कि वो और कैथरीन जंगल में गए थे क्योंकि वो अपनी माँ सोरेन से बात करना चाहती थी। एंजेला कहती है, किसी मरे हुए इंसान की आत्मा से बात करने के लिए उनकी कोई खास चीज आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास माँ की स्कार्फ नहीं थी, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाई, जबकि ये सब झूठ था, क्योंकि इन बातों को कहते हुए उसे अचानक वो सारी चीजें दिखने लगती है जो जंगल में इन दोनों के साथ हुई थी। और तभी एंजेला को अपने पिता के पीछे एक लड़की दिखती है, जिसके बाद वो एकदम चुप हो जाती है और अपने पिता को वहां से चले जाने के लिए कहती है। कुछ समय बाद विक्टर बाथरूम में ब्रश कर रहे होते हैं, जब अचानक बाथरूम की लाइट्स अपने आप ही ऑफ ऑन होने लगती है। ये एंजेला कर रही थी। विक्टर उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि एंजेला, तुम्हें बाथरूम यूज करना है क्या? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और अपने पिता को अजीब ढंग से घूरने लगती है, और फिर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। विक्टर एंजेला के कमरे का दरवाजा बंद करके दोबारा से ब्रश करने लगते हैं कि तभी फिर से लाइट ऑफ होती है, और जैसे ही दोबारा ऑन होती है एंजेला विक्टर के ठीक पीछे खड़ी होती है, जिसे देख विक्टर एकदम चौंक पड़ते हैं। एंजेला कहती है, मैंने तुम्हें कुछ कहते हुए सुना, तुम कुछ कह रहे थे मेरे बारे में। विक्टर कहते हैं, नहीं तो। इसके बाद एंजेला वहां से चली जाती है। विक्टर को अपनी बेटी का ये बर्ताव बहुत ही अजीब लगता है। अगले दिन सुबह विक्टर जब एंजेला को उठाते हैं, एंजेला ने बिस्तर में टॉयलेट कर दिया होता है। विक्टर एंजेला को नहाने के लिए भेजते हैं और बिस्तर ठीक करने लगते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद विक्टर को पानी गिरने की आवाज आती है। विक्टर तुरंत बाथरूम की तरफ जाते हैं और वहां देखते हैं कि बाथटब का पानी पूरा भर चुका होता है और पानी का रंग पूरा काला होता है। एंजेला वहां नहीं होती और विक्टर को उसका एक खून से लथपथ नाखून वहां मिलता है। वो तुरंत एंजेला को ढूंढते हुए वापस उसके कमरे में आते हैं कि तभी एंजेला पीछे से एक कपड़ा विक्टर के मुंह पर डालकर उन्हें नीचे गिरा देती है, जिसके बाद अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और एंजेला जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है और उसे बुरी तरह से दौरे पड़ने लगते हैं। विक्टर तुरंत एंजेला को हॉस्पिटल ले आते हैं, जहां डॉक्टर उसे बड़ी मुश्किल से शांत करते हैं। एंजेला के हाथों के नाखून टूट चुके होते हैं, जिनसे खून निकल रहा होता है, और उसने अपने पेट पर भी बहुत गहरे घाव बना दिए होते हैं। उधर कैथरीन, जो अपने माता पिता के साथ चर्च में होती है, वो भी बहुत अजीब सी हो गई होती है। कुछ समय बाद उसके माता पिता जीसस क्राइस्ट के बॉडी और ब्लड के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आगे जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं कैथरीन अपनी जगह पर नहीं होती। कैथरीन के पिता तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद तभी कैथरीन चर्च के दरवाजे से अंदर आती है। वो पूरी तरह से वाइन से भीगी हुई होती है और वो चर्च के अंदर घुसते ही जोर जोर से बॉडी एंड ब्लड शब्दों को चीख चीख कर दोहराने लगती है। कैथरीन को भी उसके माता पिता हॉस्पिटल ले आते हैं, जहां पर इन दोनों बच्चियों के माता पिता आपस में बात करते हैं। कैथरीन की माँ मिरांडा विक्टर से कहती है कि हो न हो इन बच्चियों ने जरूर जंगल में ऐसा कुछ किया है जिसके कारण इनके ऊपर शैतानी शक्ति का साया है। लेकिन विक्टर मिरांडा की बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है।
उसी रात नर्स एन, जो कि विक्टर की पड़ोसी भी होती है, वो एंजेला का चेकअप कर रही होती है, जब अचानक एंजेला अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराते हुए अजीब सी आवाज में कहती है, सेंट मेरी एक्सेवियर, तुमने अपनी बच्ची को मारा है। इस बात को सुनकर एन एकदम चौंक पड़ती है और फिर अचानक एंजेला के निचले हिस्से से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। अगले दिन एन विक्टर से मिलने पहुंच जाती है और उसे एक स्पिरिचुअल किताब देती है, लेकिन विक्टर कहता है, एन भगवान और भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब हम इंसानों को बनाया हुआ है। तुम जानती हो मुझे हर तरह की प्रेयर आती है जो मैंने भगवान के सामने उस दिन की थी जब मेरी पत्नी मर रही थी, लेकिन क्या हुआ, मेरी पत्नी बची नहीं और उसके पेट को काटकर मेरी बेटी को बाहर निकालना पड़ा और अब देखो मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है। ये कहकर वो जाने लगता है जब एन उसे दोबारा बुलाती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जब कॉलेज में थी मैं नन बनने वाली थी, लेकिन मैं नन नहीं बनी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मैंने अबॉर्शन करवा लिया था। इसके अलावा किसी भी स्त्री को पूरी तरह से नन बनने के लिए अपना नाम भी बदलना होता है और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन कल रात एंजेला ने मुझे अपने नन वाले नाम से पुकारा और वो ये भी जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने अबॉर्शन करवा लिया था। विक्टर को जो किताब एन ने दी थी वो क्रिस मैकनील ने लिखी थी, जिन्होंने 1973 में अपनी बेटी रेगन के साथ भी ऐसी स्थिति को अनुभव किया था। उनकी किताब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, जिसके बाद क्रिस ने अपनी पूरी जिंदगी को भूत भगाने के शोध में बिता दिया था, लेकिन इस प्रसिद्धि के कारण उनकी बेटी रेगन उनसे कहीं दूर चली गई थी। विक्टर क्रिस से मिलने पहुंचते हैं और उन्हें अपनी बेटी के चोटों की तस्वीर दिखाते हैं। उधर एन भी एक चर्च में पहुंचती है जहां वो फादर मैडॉक से मिलती है और उन्हें एंजेला के बारे में बताती है। कुछ समय बाद ये सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उधर एंजेला दीवार पर अपने नाखूनों से खुरच कर कुछ लिख रही होती है। उसने दीवार पर रेगन लिखा था। वो पहले ही जान चुकी थी कि क्रिस और मैडॉक्स उससे मिलने हॉस्पिटल आए हैं। क्रिस एंजेला के कमरे के पास आती है जहां एंजेला अपने बिस्तर के नीचे छुपी बैठी होती है। क्रिस विक्टर से दूसरी लड़की के बारे में पूछती है। वो उन्हें बताते हैं कि उसके माता पिता उसे घर ले गए हैं कि तभी एंजेला एकदम से खिड़की पर जोर से हाथ मारती है और क्रिस को अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहती है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगले ही पल विक्टर और क्रिस कैथरीन के घर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बिखरा पड़ा होता है। कैथरीन के माता पिता भी डर के मारे छुपकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। क्रिस तुरंत कैथरीन को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचती है। कैथरीन अपने कमरे में ही होती है। क्रिस कैथरीन को कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। तभी कैथरीन कहती है, तुम जानना चाहती हो रेगन कहाँ है? हम तुम्हें बता सकते हैं, बस एक बार हमसे मदद मांग कर तो देखो। क्रिस गुस्से में कहती है, नहीं, मैं यहाँ उस छोटी बच्ची के लिए आई हूँ जिसके शरीर पर तुमने कब्जा किया हुआ है। कैथरीन फिर से कहती है, वो तो नरक में सड़ रही है। इसके बाद क्रिस मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देती है और कहती है, निकल जाओ इस बच्ची के शरीर से, निकल जाओ। इसके कारण कैथरीन पूरी तरह से तड़पने लगती है और तड़पते हुए कमरे के एक कोने में बैठ जाती है। कैथरीन बिल्कुल शांत हो जाती है, शायद उसके अंदर से शैतान चले गया था। क्रिस उसे उठाकर बिस्तर पर बिठाती है कि तभी वो एकदम से पास में पड़े हुए क्रॉस को उठाकर क्रिस की आंखों पर हमला कर देती है और उसके दोनों आंखों को फोड़ देती है। अगले ही पल विक्टर कमरे में पहुंचता है और क्रिस की हालत देखकर उसे फटाफट कमरे से बाहर निकालने लगता है। कैथरीन चादर को ओढ़कर सो जाती है और अपने आप ही कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस क्रिस को हॉस्पिटल ले जाती है। विक्टर क्रिस से भी मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं जो उन्हें कहती है कि एक्सोरिज्म की इस प्रक्रिया को करने के लिए क्रिश्चियनिटी धर्म को अलग अलग रूपों में मानने वाले गुरुओं को इकट्ठा करो। ये सभी लोग लोकल प्रीस्ट फादर मैडॉक्स, बैप्टिस्ट पास्टर डॉन रीवंस, पेंटेकोस्टल उपदेशक स्टुअर्ट और रूटवर्क हीलर बीहाइव से मदद मांगते हैं। ये सारे लोग मिलकर विक्टर के घर पर एक्सोरसिज्म की तैयारी करते हैं, लेकिन एन वक्त पर फादर मैडॉक्स इस रिचुअल में भाग लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके चर्च के उच्च अधिकारी ऐसा नहीं चाहते थे। एन उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो नहीं मानते, पर जाने से पहले वो एन को रूल ऑफ सेंट बेनेडिक्ट नाम की किताब और एक क्रूसिफिक्स जिस पर सेंट बेनेडिक्ट मेडल लगा हुआ था जिसकी मदद से शैतानों से लड़ा जा सकता है वो देते हैं। इसके बाद फादर मैडॉक्स के बिना ही ये लोग एक्सोरसिज्म की प्रक्रिया शुरू करते हैं जिसमें ये दोनों लड़कियों को कुर्सी से अच्छे से बांध देते हैं। सबसे पहले एन उस किताब से मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है। ऐसा करते ही बेहोश पड़ी दोनों लड़कियां होश में आ जाती हैं और तड़पने लगती हैं।
इसके बाद बाकी के तीनों धर्मगुरु भी अपने अपने तरीके से मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ये दोनों लड़कियां और बुरी तरह से तड़पने लगती हैं और कैथरीन के माथे पर अचानक उल्टे क्रॉस का निशान बनने लगता है। ये सभी काफी कोशिश करते हैं लेकिन इन लड़कियों के अंदर से ये उस शैतान को बाहर नहीं निकाल पाते। एक बार फिर से कोशिश करने के लिए रूटवर्क हीलर बीहाइव फूलों और जड़ों की मदद से होली वाटर को तैयार करती है। वो इस होली वाटर को लड़कियों पर डालती है और एन मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देती है। होली वाटर के इन लड़कियों पर गिरते ही ये दोनों लड़कियां बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगती हैं और अपने माता पिता को मदद के लिए पुकारने लगती हैं, लेकिन किसी भी हालत में इन्हें अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाना था। दोबारा से सभी लोग मिलकर प्रार्थना शुरू कर देते हैं और इस बार विक्टर भी अपनी बेटी के आगे बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी उनकी बेटी एंजेला बोल पड़ती है और वो कहती है, मैं जानती हूँ पापा, आप माँ को बचाना चाहते थे, मुझे नहीं। विक्टर ये बात सुनकर एकदम से चौंक पड़ते हैं। उन्हें अचानक से वो पल याद आता है जब डॉक्टर ने उन्हें माँ और बच्चे में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था और उन्होंने अपनी वाइफ सोरेन को चुना था। एंजेला और कैथरीन जोर जोर से चीखते हुए कहने लगती हैं, तुम माँ को बचाना चाहते थे लेकिन मैं बच गई, जिसे तुम बचाना ही नहीं चाहते थे। तभी एंजेला कहती है, इस बार भी तुम्हें चुनना होगा। फिर कैथरीन कहती है, एक लड़की जिंदा रहेगी और एक लड़की मरेगी। फिर एंजेला कहती है, पापा तुमने मुझे उस दिन नहीं चुना था, कम से कम आज तो मुझे चुन लो। कैथरीन भी अपनी माँ से यही कहती है, मुझे बचा लो माँ। लेकिन विक्टर और मिरांडा दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनने से मना कर देते हैं, जिस पर कैथरीन कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये दोनों लड़कियां मरेंगी। उसी पल अचानक फादर पैडॉक्स भी वहां आ जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं। ऐसा करते ही लड़कियां दोबारा तड़पने लगती हैं। फादर मैडॉक्स जोर जोर से दोनों लड़कियों के सर पर हाथ रखकर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। उन्हें देख बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं। सभी को यकीन होने लगता है कि फादर मैडॉक्स की मदद से इस बार दोनों लड़कियों के अंदर से उस शैतान को बाहर निकाल देंगे। लेकिन तभी फादर मैडॉक्स मंत्रों को बोलते बोलते चुप हो जाते हैं और फिर दोनों लड़कियां अपने गले को मोड़ने लगती हैं, जिसके कारण फादर मैडॉक्स का गला भी मुड़ता चला जाता है। उनका गला पूरी तरह मुड़ जाता है और टूट जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका मृत शरीर सीधा जमीन पर गिरता है। सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। कैथरीन के पिता टोनी कमरे से डर के मारे बाहर चले जाते हैं। उधर विक्टर दौड़कर अपने स्टोर की तरफ जाते हैं और वापस एंजेला की माँ की स्कार्फ के साथ लौटते हैं, जिसे वो एंजेला के गले में डाल देते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे ये तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था, प्लीज इस शैतान से लड़ो बेटी, घर वापस आ जाओ। उसी पल कैथरीन रोते हुए अपनी माता पिता से कहती है, क्या आप लोग नहीं चाहते मैं बचूं? मुझे प्लीज बचा लो, प्लीज पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। टोनी अपनी बेटी की बात सुन रहे होते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाते और अगले ही पल वो कहते हैं, बेटी कैथरीन मैं तुम्हें चुनता हूँ। सब लोग टोनी को रोकते हैं लेकिन टोनी फिर से कहते हैं, मैं तुम्हें चुनता हूँ बेटी। टोनी के ऐसा कहते हैं एंजेला दर्द से चीख पड़ती है और उसकी नजर धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। विक्टर तुरंत उसे खोल देते हैं कि तभी एंजेला जोर से अपने सर से विक्टर को मारती है, जिसके कारण वो उछल कर दूर जा गिरते हैं और फिर एंजेला हवा में उड़ने लगती है। एंजेला हवा में दर्द के मारे चीखने लगती है और उसे अचानक वो शैतान भी दिखने लगता है। एकाएक एंजेला अजीब सी काली उल्टी दीवार पर कर देती है, जिसके अंदर से एक रास्ता खुलता है। ऐसा लगता है जैसे वो शैतान एंजेला को नर्क ले जाने के लिए आ रहा हो। फिर अचानक एंजेला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। विक्टर एंजेला की तरफ दौड़ पड़ते हैं और उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। उधर कैथरीन को होश आ जाता है। मिरांडा की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक कैथरीन बेहोश हो जाती है। टोनी मिरांडा उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो नहीं उठती। कैथरीन को दोबारा होश आता है लेकिन इस बार वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी होती है, जहां उस शैतान के बहुत सारे हाथ उसे नर्क में खींच लेते हैं। असल में शैतान ने इन सभी के साथ एक चाल चली होती है। जिस बच्चे को भी चुना जाता उसे ये शैतान छोड़ने वाला नहीं बल्कि मारने वाला था, और इसी कारण कैथरीन मर जाती है। एंजेला को होश आ जाता है, सिर्फ वही इस एक्सोसिज्म के रिचुअल में बचती है। एन टोनी और मिरांडा बहुत कोशिश करते हैं कैथरीन को उठाने की लेकिन वो नहीं उठती। इस घटना के कुछ समय बाद एंजेला दोबारा से स्कूल जाना शुरू करती है। टोनी और मिरांडा अभी भी अपनी बेटी की मौत के गम से जूझ रहे होते हैं। विक्टर दोबारा अपनी वाइफ की कब्र पर पहुंचते हैं और क्रिस को हॉस्पिटल में उनकी खोई हुई बेटी रेगन मिलने आती है।